व्यापार में आपको अगर दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। किसी भी राशि का जातक ये उपाय कर सकता है। किसी भी प्रकार का आपका व्यापार हो, आपको ये उपाय करना है, क्योंकि आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है। आमदनी कैसे बढ़ती है? जब व्यापार में वृद्धि होती है। तो उसी संदर्भ में ये उपाय बताया जा रहा है। एक साधारण से कागज़ पर आपको इस यंत्र को बनाना है। पहले नज़दीक से देख लीजिएगा, ये जो मंत्र लिखा गया है, ये मंत्र आपको नहीं लिखना है कागज़ पर, बाकी ये बिल्कुल ऐसे ही यंत्र बनाना है। एक ही कागज़ पर ये दोनों यंत्र बनाने हैं, ठीक है जी। इस यंत्र को आप बनाएंगे सोमवार को, किसी भी समय बना सकते हैं। इस यंत्र को बनाने के बाद आप इन दोनों यंत्रों को अलग करेंगे, बीच में से काट सकते हैं या फिर इसको आप फाड़ सकते हैं। अलग करना है, पहले एक साथ बनाना है, उसके बाद अलग करना है। अब जो ये वाला हिस्सा है, इसको घर के मंदिर में सफ़ेद रंग के कपड़े में रख कर रख दीजिए। और जो ये वाला हिस्सा है, ये आपको अपने व्यापार का, जहाँ पर भी आपका स्थान है व्यापार का, वहाँ पर इसको रख दीजिए। अगर एक ही जगह पर है, घर भी और घर का मंदिर, जहाँ पर यानी कि घर पर ही आप व्यापार करते हैं, तो आप घर के मंदिर में इसको रखेंगे, और जहाँ पर भी आपका दुकान है या जहाँ पर करते हैं, इसको वहाँ पर रख दीजिएगा। और इसको भी सफ़ेद रंग के ही कपड़े में रखना है। अब आपको घर के मंदिर में बैठ के रोज इस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं श्रीं, ओम ऐं श्रीं। आप इस कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करेंगे, कमल गट्टे की माला लें और मंत्र का जाप करना है। नित्य एक माला तो जपनी है, ज़्यादा मालाओं का जाप भी कर सकते हैं, मगर कम से कम एक माला जपनी है। और इस वाले यंत्र को तो सिर्फ आपको अपने दुकान पर, कहीं पर भी साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए, जहाँ पर कोई इससे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे। और रोज़ एक मंत्र का जाप करना है, और कोशिश करें शाम के 5 बजे से पहले पहले ये मंत्र का जाप आप कर सकें। और फिर आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप जब इसमें पूरा ध्यान लगा के उपाय करेंगे, तो आपको भी इसमें आमदनी बढ़ती हुई दिखेगी। जो भी आपकी समस्या चल रही है किसी भी प्रकार के व्यापार में, उसमें आपको निश्चित तौर पे जितनी भी अड़चनें आई हैं, वो सारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, और जो आपकी आमदनी है वो बढ़ने लगेगी। आमदनी बढ़ने का मतलब वही है कि आपकी सेल्स होगी, उन्नति बढ़ेगी ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकी आएगी। तो ये उपाय आप करके देखें। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, सबके नक्षत्र अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सबका जन्म अलग अलग समय पर होता है, अलग अलग जगह पर होता है, इस वजह से सबके नक्षत्र भी अलग ही होते हैं। तो अपने नक्षत्रों के अनुसार उपाय करें। जो तो सबसे बेहतरीन उपाय होते हैं जो अपने नक्षत्रों के अनुसार किए जाते हैं, क्योंकि वो उसी व्यक्ति के लिए बने होते हैं जिसके लिए, जिसके नक्षत्र देखने के बाद हम उपाय बताते हैं। तो यदि आप अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप जुड़ेंगे, आपको हमारा मैसेज अवश्य आएगा। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।